और उसकी सीसी जो है ना रिपोर्ट में है भी। चाहिए तो अभी हाँ तीन लेटर आए मेरे को सीएम के। जी सर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तीनों के कापियाँ लगा के मैं दे दिया लेकर हजार भाई। पुराने शहर के जितने बड़े ईदगाहें हैं माशाल्लाह पूरों का दौरा हो चुका है, काम तेज़ी से चल रहा है। और जितने भी वाटरप्रूफ शेड्स लगाने का ये बार, क्योंकि बारिश का ज़्यादा ये बार इनकामात है और ख़ासकर बारिश हो भी सकती है और होती भी है ये, तो जितने भी ईदगाहें सब जगह वाटरप्रूफ शेड्स का इंतज़ाम किया गया है। बल्दिया की जानिब से, वाटरवर्क्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से, चाहे वो ट्रैफिक का महकमा हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो, पूरे इंतजाम हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इस बार भी ईद की नमक आराम से सुकून से पूरे मुसल्लियों के साथ। शुक्रिया। में हैदराबाद की सबसे कदीम और पहली ईदगाह जिसको ईदगाह मादाना पेट कहते हैं यहाँ पर कायम है, और ये नाकाफी होने के बिना पर ईदगाह मीरालम में ईदगाह तामीर की गई। बहरहाल यहाँ के मेंटेनेंस के मसाइल हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब दौरा करे हैं, उनके इल्म में भी है। बल्दी भर्ती आबरसानी के अहदेदारों को मुरासले दिए गए वक्फ बोर्ड से, काम का भी आगाज हो चुका है। ये थोड़ा शॉर्ट टाइम में काम तेज़ी से हो रहा है, लेबर को बढ़ा के कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमको तवक्को है कि ईद के दिन तक, ईद से एक दिन पहले काम मुकम्मल हो जाएगा। और हमेशा की तरह आज हैदराबाद के तमाम ईदगाहों में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह साहब दौरा करके आ रहे हैं। मुझे तवक्को है कि पूरे ईदगाहों का काम बेहतर अंदाज में चल रहा है। और इस सिलसिले में अभी चेयरमैन साहब ने बताया गवर्नमेंट की तरफ से फी ईदगाह कुछ रकम मुकर्रर नहीं है। गवर्नमेंट का अहकाम यह है कि जितने काम हो सकते हैं ईदगाह में वो काम करा ले, पैसे की रकम की कोई फिक्र ना करें। बड़ी खुशी की बात है, मेरा इंतजाम चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे तवक्को है कि एक दिन पहले ईदगाह का तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। हमें चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं।